दिख रही है, पंख भी है इसका, बड़ी वाली मक्खी ये देखो, अलग निकाल देना, कहाँ दिखाना, ये रीन तो क्लियर पंख दिख रहे हैं इसका। हाँ। फिर उसके बाद सब ने छोड़ दी, तो एक ही उसमें तो बनी है, एक ही कढ़ाई में तो। खाने का स्वाद ठीक है, अभी खाया ही कहाँ है, तो खा के बताइए ना, हाथों से बनाया है। अच्छा, तो गाइज हमारा पैकअप हो चुका है और निकल रहे हैं घर के लिए, और देखो कितना अंधेरा हो गया है। ये भी अंदर रखना है, ये काउंटर अमन अकेले ही उठा लेगा इसको। तो गाइज हम सब तैयार है शूट के लिए, ये सिब्बू रेडी हो चुकी, मैं, दादी, चीनू और बाकी जो है वो सब बाहर है। स्कूल की ड्रेस में बढ़िया लग रही है, ठीक है। और इंस्टा को नहीं लेके जाएंगे हम, तू यहीं रह भाई, बोलो, रोने लगेगा। अच्छा, ये भी है इसका, इंस्टा उताला हो गया, पट्टा वट्टा सब उठा लिया इसने, क्या है उधर हो जा बस उधर हो, चप्पल छीनता है, चप्पल छीन लेगा तो जाओगे कैसे। अच्छा, मेरे को तो डर लगता है, वो अपना वो नहीं करेगा पूरा, आपने क्यों बोला कि तेरे को नहीं लेके जाएंगे, चीनू तेरे को नहीं लेके जाएंगे, इंस्टा क्यों तड़पाते हो सारे, इंस्टा छोड़ दे, इंस्टा गुब्बारे से डरता है ना ये। हाँ, मैं कल इसको दे रही तो ये भाग रहा उससे दूर, चलो भाई जोर, ये गुब्बारा देखो लेके भाग रहा है। हम स्कूल में पहुंच गए हैं और अभी हम करेंगे अपना शूट स्टार्ट, और अभी देख रहे हैं कि कहां से अपना स्टार्ट करना है, तो अभी बाहर वो देखने गए हैं सब, और यहां पे हम सब वेट कर रहे हैं। यहां पे सिब्बू बैठी है, चीना को देखो पता नहीं क्या कर रही है, और आंटी जी कहां व्यस्त हो, अरे वो बोल रही थी घी खाने, बस ऐसा ही हो जाता है कई बार। और ये देखो गाइस, स्कूल, ये हॉल है स्कूल का, देखो कितना अच्छा बना रखा है, ये देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम बिरयानी खा रहे थे और उसमें मक्खी निकली, अभी दिखा रही मेरी बिरयानी में, ये देखो दिख रही है, पंख भी है इसका, बड़ी वाली मक्खी, ये देखो अलग निकाल देना, कहाँ दिखाना, ये रीन तो क्लियर पंख दिख रहे हैं इसका। हाँ। फिर उसके बाद सब ने छोड़ दी, तो एक ही उसमें तो बनी है, एक ही कढ़ाई में वही तो, और फिर किसी का मन नहीं किया खाने का, आपका किया ना, मैंने थोड़ा सा खाके, और ये देखो सब ने ऐसे ही छोड़ रखा है, वो देखो उधर रखा है, ये देखो वो उसमें रखा है, ये देखो सब ने ऐसे ही छोड़ दिया, बस सिब्बू ने खाया है क्योंकि सिब्बू को पता नहीं था, सिब्बू मैंने बोला सिब्बू ने खाया है क्योंकि उसको पता नहीं था, नहीं मैंने तो एक दो चम्मच खाया था, फिर बाकी बिन्ने और रचित को दे दिया, मतलब उनको भी पता नहीं था, बाद में बताया है उनको, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। तो भाई ये हालत देख लो, इसलिए बाहर का खाना तो वैसे नहीं चाहिए, पर ये मजबूरी में खाना पड़ता है, और आज के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी ये सब देख। आपको ये पसंद है बहुत बिरयानी? मेरे को पसंद है, लेकिन अब मैं क्या करूं? लेकिन जो हम पहले रोज बिरयानी खाते हैं ना, उसमें आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अब वही है, अब क्या ही बोलेंगे, देखो एक तो ये रोड पे बनती है, रोड पे मक्खियां उड़ती है, वो कम से कम छत के नीचे बनती है किसी रेस्टोरेंट में, और फिर उनका वो चिमनी वगैरह लगा होता है सारा, है ना, तो वहाँ फर्क है। खैर ये तो ठीक है बात, तो आज के बाद मैं तो नहीं खाऊंगी पक्का, अपना घर से खाना लेके चलूंगी और बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो गाइस अभी हमारा ब्रेक हुआ है, समोसे मंगवाए हैं सबके लिए, तो चलो समोसे खाते हैं। और ये यहाँ पे दालचीनी दे मुझे भी, खाने का स्वाद ठीक है, अभी खाया ही कहाँ है, तो खा के बताइए ना, हाथों से बनाया है। अच्छा ठीक है, दादी का आप कौन सी चटनी लोगे, ये कैसे गिर गई, कौन सी चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी, मैं बोल रही हूँ कैसे लोगे, हरी हरी अच्छी है, हरी ले आ चीनू, बारी चल यही रख ले, चल फिर रखने की जगह नहीं रहेगी, यहीं पे रख ले दादी प्लीज, थोड़ा सा धक्का नहीं मार, सॉरी मैं जा रही, चल यार कुछ वाले पे रख लो, बड़ा डर, क्या बना रहा है, अमन शर्मा गया क्या हुआ अमन, मेरा हाथ बच गया था अभी, कोई भी से मांग रहा है जैसे, दे दो मैंने कहा नहीं ले ले, हां ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे मुझे पकड़ लिया समोसा। तो गाइज़ हमारा शूट कंप्लीट हो गया है, और वो चीनू यहाँ पे बैठी है और ये सब बंदे यहाँ खड़े हैं, और शूट हो गया है कंप्लीट, और अभी निकलेंगे घर के लिए। मजाक उड़ाएगा फिर तो। नहीं, मैंने स्टोरी लगानी है।
तो गाइज हमारा पैकअप हो चुका है और निकल रहे हैं घर के लिए। और देखो कितना अंधेरा हो गया है। ये भी अंदर रखना है, ये काउंटर इस रूम में रखवा दो। अमन अकेले ही उठा लेगा इसको तो, और क्या, अकेले उठा ले अमन। आंटी पता है मैंने कितनी बार, कम से कम 5-6 बार बोला चाबी दे दे, मैं बाइक की चाबी अभी दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। उसने सुना ही नहीं, वो उधर था ना। नहीं, सुना, अच्छा सुना था, मेरे को बोला भी अभी दे रहा हूँ। फिर दी क्यों नहीं? नहीं सुना मैंने तो। अमन लगा ले हाथ भाई, ये मुझे दे दे हेलमेट और हाथ लगा ले। हाँ ठीक है, रख दो अंदर। और ये देखो आप इंस्टा को, बस हो गया शुरू, हो गया शुरू इंस्टा। क्या हो जाता है तेरे? बस इंस्टा, अभी तो और बंदे आएंगे, अभी तो बहुत बंदे आएंगे, अभी और आएंगे। सिब्बू आएगी, सिब्बू क्या ये बढ़िया किया, कोई है गंदा कपड़ा यानी। तो गाइस अभी चाय चल रही है, मैंने तो पी नहीं है। कैसी लगी आंटी जी चाय? चाय बढ़िया बनाई है उसने, जैसे आप पीते हो ना दूध वाली। अच्छा बनाई, अच्छी बनाता है चाय वैसे ही, और बात भी सुनता है, फटाफट बना देता है। जैसे मैं अंदर आई उसने बस ऐसा ही रहे ये। हाँ बस ये नहीं है कि पहले वाला थोड़ा चौड़ा हो गया था, सुनता नहीं था। वही उसके सामने मैं बनाने लग जाती थी, वो कभी नहीं बोलता था कि मैं बनाता हूँ। अच्छा हेमंत, अच्छा चलो ठीक है। तो चीनू होता था, सुबह भी उठा होता था, कई बार मैं उठ जाती थी मैं अपने आप उठ के बना लेती थी, कभी नहीं बोलता था मैं बना देता हूँ। अच्छा तो अभी चीनू का एक शूट, मतलब शूट नहीं एक सीन बाकी है, चीनू का एक शूट बचा है अभी, सीन बाकी है। दो हैं, ओके एक अभी एक सुबह, ठीक है अच्छा भी है। तो भाई हम तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घर पे, इतनी जल्दी? और क्या, चल जाना, चले जाते हूँ बस, बस दो दिन में। हाँ बस फिर अपने आप ही हो जाता है कि घर चलो। क्योंकि जाके ना बहुत काम करना पड़ता है, फिर एक दो दिन ही अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है अपना घर जाना है। आगा, बाय बाय। दो दिन में क्या है, कितना काम हो जाएगा वहाँ, दो दिन में करना पड़ेगा। इतना सा नहीं बड़ा लग रहा हूँ, नहीं ठीक है सही वो। सही तो लग रहा है, बाय बाय। अभी नहीं जा रही बिल्कुल, अभी देख लो भगाने की लग रही। नहीं 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 भगाने की नहीं लग रही, उसने मेरे को शुरू में बोला है कि अभी मत जाओ। यूँ तो मैं लेट चली जाऊंगी, मेरा वैसे मन नहीं है जाने का, पर ये है कि जाना है तो टाइम से निकलो। नहीं चल देना, सुबह सुबह 8-9 पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो प्लानिंग, अगर आप हो गए शूट भी जल्दी हो जाएगा, अगर आप गए ना तो सब 9-10 बजे सो के उठेंगे। इसका ट्यूशन है, बात हो गई, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं भाई नहीं, छुट्टी नहीं करेंगे, 3 दिन की छुट्टी हो गई है चीनू की। मैं जाऊंगी ट्यूशन में, मेरा बहुत लोग ठीक है, अकेले अकेले खा ले अमन, पूछता भी नहीं, पूछना तो बनता है। नहीं मैंने खा लिया, मैंने तो नहीं खाया ये, इतना तो बेशक खा ले, मैं ये तो नहीं है कि खाऊंगी, यही तो बोलूंगी नहीं मैंने खा लिया। खाना खा लिया टाटा? तो खाना तो खाओ, खा लूंगी, अभी भूख नहीं, अभी आराम करूंगी, सोऊंगी अभी। फिर 2 बजे आँख खुलेगी, फिर खाना खाना है, ठीक है। तो गाइज मैं तो जा रही हूँ, चीनू यहीं पे रुकेगी, इसका अभी थोड़ा सीन बाकी है, इसको यहीं छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। सुबह टाइम से आ जाइए, ट्यूशन जाना है तेरे को? नहीं बस चलने दे, अब चले जाऊँ, कई काम है, कई काम है, काम तो होते रहेंगे। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चले जाते हैं, काम थोड़ी ना रुकते हैं, ये तो है, फिर काम तो हो जाएंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? आप ही करोगे, जाओगे जब तो। हाँ जाके इतना सारा काम मिलता है, बस पूछो ही मत, और जाके एकदम मन भी नहीं करता काम करने का। हाँ तो एक दिन आराम करना, अगले दिन से कर लेना। चलो ठीक है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। घर पे कौन है? घर पे कोई नहीं है अंकल, बस अभी आने ही वाले होंगे। काला नहीं, नींद में हो है ना? स्वाति भी नहीं आई, स्वाति बोल तो रही थी, स्वाति आई हुई है घर पे, वो अकेले क्या कर रही है, वेट संभाल रही है हमारा, वेट और क्या करेगी, नाचेगी।
ये कौन सी वो थी जीनू? नहीं, लेकिन सही लग रहा था, बोल रही थी ऐसे ये बोलती नहीं है ना, ये रचित की तरह बोल रही थी, रचित बोलता है ऐसे। ये स्वाति और आप तो बहुत सही बोलते हो। मम्मी घर आ गई है, घर पे वेट कर रही है। कौन? ये तो सही से बोलती है, ये और स्वाति भी। रचित को पता नहीं क्या सिखा रखा है आपने।